स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में लिकर्ट स्केल, जो कि इसको समेटेड रेटिंग स्केल भी बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो पीजी एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लिकर्ट स्केल एटीट्यूड स्केल है, जिसमें कि सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू इंडिकेट डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप कौन कितना एग्री हैं और कितना डिसएग्री हैं, ये पूछा जाता है। स्कोर्स ऑफ द आइटम्स आर समड अप एंड एवरेज टू इंडियन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड। जो भी आइटम्स के स्कोर्ड होते हैं, स्कोर्स होते हैं, उनको सम किया जाता है, उसका एवरेज निकाला जाता है, ताकि इंडिविजुअल के एटीट्यूड को पता किया जा सके। हमने देखा था कि थर्स्टन स्केल 11 पॉइंट स्केल है, जबकि ये 5 पॉइंट स्केल है, और रिस्पॉन्स 5 कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे स्ट्रांगली अप्रूव, अप्रूव, अनडिसाइडेड, डिसअप्रूव, स्ट्रांगली डिसअप्रूव, इस तरीके से। लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स को कंसीडर किया जाता है स्केल को बनाने में, मिनिमम 90, और स्कोरिंग जो है आर्बिट्री मेथड से किया जाता है। कोरिलेशन आइटम्स के बीच में निकाला जाता है, और जो हाई कोरिलेशन जिस आइटम में होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। बाद में टी टेस्ट यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू ऑफ द आइटम्स। बहुत ही सिंपल है, कम लेबर लगता है, और इसकी रिलायबिलिटी 0.81 to 0.9 है, इसलिए इसको काफ़ी यूज़ में होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि लैक ऑफ एक्सपर्ट्स व्यूइंग सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इज सस्पेक्टेड। जो आइटम्स क्योंकि कम है, इसीलिए सस्पेक्टेड हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग एटीट्यूड ऑफ मिडिल स्कोर्स, जो भी मिडिल स्कोर आते हैं, जैसे कि अनडिसाइडेड, तो मिडिल स्कोर जो होते हैं उनका वैल्यू निकालने में, स्कोर्स निकालने में प्रॉब्लम होती है। इन स्पाइट्स ऑफ गेटिंग इक्वल स्कोर्स बाय टू इंडिविजुअल्स, देयर एटीट्यूड्स आर नॉट सिमिलर, इट्स अ मेजर ड्रॉबैक। मतलब दो इंडिविजुअल्स का अगर स्कोर इक्वल भी है तो भी उनके एटीट्यूड्स इक्वल नहीं हो सकते, एंड इट हैज़ लो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इसकी प्रेडिक्टिव वैलिडिटी लो होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिकर्ट स्केल, जो शॉर्ट नोट में काफ़ी काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।